वंदे मातरम, हम बोलते हैं जय हिंद, हम सब कुछ बोलते हैं, कौन कहता है नहीं बोलते हैं। हम इंडिया को पूरी तरह से लड़वाना चाहते हैं एक दूसरे में, क्रिश्चियन हिंदू मुसलमान इन सब में लड़वाना चाहते हैं। गुस्सा है मन में, मतलब हमें जो हक मिला चाहिए वो हमें नहीं मिला, इससे अच्छा वो गोली मार दे वो बेहतर है। हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा है ताकि हम अपने देश को बचाना चाहते हैं। जब कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, बिल वापस नहीं लिया जाएगा, वहाँ से जमीन ना नहीं किया जाएगा, तब तक हम यही रहेंगे, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। दसवीं वसी करके तो यहाँ पे आते हो, बहुत थकान आती होगी? थकान आएगी, अपने हक के लिए तो कुछ भी करोगे। पूरा डाइवर्ट कर दिया है, पूरा ट्रैफिक जो है वो डीएनडी से जा रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अमित शाह जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो कि हमारे लिए मतलब हमारे चुने हुए लीडर हैं, जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिनके ऊपर हमने पूरा राइट सौंप दिया था। आपने आप कह रहे कि चुने हुए लीडर, आपने बीजेपी के लिए वोट किया था? यस ऑफ कोर्स, हमारे तो हमारे लीडर है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे अमित शाह जी है, आई रिस्पेक्ट ऑलवेज ऑलवेज, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया है। एक मेरा लड़का है और जब वही नहीं रहेंगे, हम ही लोग नहीं रहेंगे, तो हम लोग इस देश में रह के क्या करेंगे? इससे अच्छा वो गोली मार दे वो बेहतर है। डॉक्यूमेंट और ये कहाँ से लाऊंगी? तो वो बच्चे ये इकट्ठे करने में तो बच्चे की जॉब उस पर पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, हम औरतों को भी लगना पड़ेगा, इस वजह से परेशान। एनआरसी और कैप का हम समर्थन कर रहे हैं, बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर के संविधान का, हम संविधान के समर्थन में यहाँ पे बैठे हैं, अपने हक के लिए बैठे हैं। और ये लोग हमें बार बार जलाने की बात करते हैं कि हम देश जला रहे हैं, हम देश जला नहीं रहे हैं, हम देश बचा रहे हैं, और हमें देश बचाने का जज्बा है हमारे अंदर, और जहाँ पर ये कहेंगे कि हम खून देते हैं वहाँ हम अपनी गर्दन कलम करवाने के लिए चलते हैं, क्योंकि हम कहते हैं वंदे मातरम, ये बार बार बोलते हैं, हम बोलते हैं वंदे मातरम, हम बोलते हैं जय हिंद, हम सब कुछ बोलते हैं, कौन कहता है नहीं बोलते हम, ये हमारा मुल्क है, हमारी देश है, हमारी माँ है, हमारा सब कुछ है, फिर हमसे हमारा क्यों छीना जा रहा है? हम लोग यही रहेंगे, करते रहेंगे जब तक वो वापस जब तक नहीं लेते हैं, हम लोग जाने को तैयार नहीं है, जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक लड़ते रहेंगे। तुमने नफरत की आग लगाई है, हम प्यार की शमा जलाएंगे, हम जोर जोर चिल्लाएंगे, एनआरसी नहीं कराएंगे।